तो भाई कल थे इंडिया और पाकिस्तान के प्रैक्टिस मैचेस जो कि बारिश में वॉश आउट हो चुके हैं। इसके अलावा एक मसला और खड़ा हो गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है नेक्स्ट एशिया कप के लिए, और ऊपर से उधर से पाकिस्तान के रमीज़ राजा ने भी बोल दिया है हम भी नहीं आ रहे भाई फिर वर्ल्ड कप के लिए। तो ये क्या मसला है, कैसे सॉर्ट आउट होगा, इस बारे में भी बात हुई है इस वीडियो में। क्रिकोमेडी का वीडियो आ चुका है, लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, मेरे ख्याल में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो इसी तरह के वॉश आउट ही होते रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी जो वॉश आउट हो चुका है, और इंडिया का और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो भी वॉश आउट हो चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का और साउथ अफ्रीका का जो था वो भी मैच जो है वो वॉश आउट हो चुका है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करें भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये बैटिंग की प्रैक्टिस करेंगे या स्विमिंग की प्रैक्टिस करेंगे? हो गया, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो कैंसिल हो गया। पता नहीं किस काली जुबान वाले ने वो बात जो है मशहूर कर दी थी, जिसने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रमीज़ राजा ने कह दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वही हुआ, मैच ही नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। ऐसे कोई काली जुबान वाले आदमी ने ये जो अफवाह छुड़ाई थी। जो मैच हुआ है हमारा पाकिस्तान का, जो अफगानिस्तान के मैच हुआ है उसके अंदर भी अफगानिस्तान की जो है बैटिंग हुई है और वो चली भी गई। वो होता था ना गली के अंदर इस तरह होता था कि एक टीम जो है वो अपनी बारी ले लेती थी और जब उनकी फील्डिंग की बारी आती थी वो चले जाते थे, खड़ा भाग जाते थे बैटिंग करके भाग जाते थे। हमारे जो प्रैक्टिस मैच है वो हो गए खत्म, और हम अगला जो है सीधा जाके मिलेंगे इंडिया को उनके होम ग्राउंड पे, क्योंकि वो तो पिछले कोई डेढ़ महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और किसके साथ लगे हुए हैं वहां पर, वो तो मस्ती में बैठे हुए। हमारे तो नेट में जो मेडल हो रही होती ना दोस्त, वो ग्राउंड में नहीं होती भाई। खैर अच्छी बात है कि शाहीन का जो स्पार्क है वो वापस देखने को मिला है। यार ये मुल्तान का आम और शाहीन का पहला ओवर, इसकी जो मिठास होती है ना यार, इसकी क्या ही बात है, क्या जबरदस्त किस्म का टू क्रशिंग यॉर्कर मारा है मेरे बॉय ने। वो जो अगला बंदा तो गुरबाज है कि क्या नाम है उसका, एक तो वो आउट हुआ, ऊपर से इसको शर्मिंदगी ये हुई कि उसको ना स्कूल के बस्ते की तरह उठा के बाहर लेके गए, क्योंकि मासूम का जो है वो टो पे सीधे आके बॉल लगी थी। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, अगर आप लोगों को पता चला कि क्या एक्सरे एक्सरे निकली तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना स्कूल के मासूम, जो 2 फुट का बच्चा होता है उसके ऊपर 4 फुट का बस्ता लगा हुआ होता है और वो बस्ता जा रहा होता है स्कूल में, बच्चा तो वैसे ही आगे चिपका हुआ होता है। यही वाला कोई माहौल बना हुआ था इसका भी, जिस तरह उसको लेके गए। मुझे कोई ये बता दे कि भाई फखर जमान को क्या हो गया, वो किधर है यार, उसकी बीमारी के बारे में कोई बता क्यों नहीं रहा है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो छुपाई जा रही है, मुझे ये बताया जाए। पहले तो बता नहीं रहे कि क्या बीमारी हुई थी, क्यों वो बाहर गया था। अभी भी वो सेकंड जो ये वार्म अप मैच था उसके अंदर भी नहीं था वो टीम के अंदर, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इंडिया के खिलाफ जो है इतने बड़े मैच के अंदर उसको डाल देंगे कि ले भाई तू ट्राई करते रह, क्या होता हो भी सकता है कि वो हमारा एक वाइल्ड कार्ड है। लेकिन इंडिया से क्या छुपाना है भाई, इंडिया ने तो उसको सबसे ज्यादा देखा हुआ। वैसे आपस में बताया कि शुक्र है बारिश हो गई थी, क्योंकि स्कोर वो उतना कर गए थे कि हमारी औकात से बाहर होते थे। 150 से ऊपर जो है ना वो कुछ पता नहीं है, या तो हम 10 विकेटों से भी जीत सकते हैं या फिर 10 की 10 विकेटें भी जा सकती हैं 140। चेस करते हुए हम फिर भी चले जाते हैं क्योंकि हमें पता है 120 की स्ट्राइक रेट पे ही चल रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो 150 रन हमारे हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो 150 स्कोर जो है वो हमारा पार स्कोर है, मतलब 150 के ऊपर जाके बस फिर सारे खैराती रनजी जो आते हैं। खैर ये निचली दुनिया की पता नहीं क्या फोरकास्ट है, मैं समझ रहा था कि यहाँ पे कोई बारिश भी जो है वो ऊपर से जब नीचे आ रही होती तो ये लोग तो नीचे है तो इनकी तो नीचे से ऊपर आनी चाहिए ना, मेरे तो समझ नहीं आ रही कि बारिश क्यों हो रही है निचली दुनिया के अंदर। दूसरी बात ये कि जो ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसके बारे में ये बड़ी खबरें आ रही है कि जी 90% चांसेस हो गए कि बारिश होनी होनी है। पता नहीं 10 दिनों से मैं पढ़ रहा था, अब तो है वो मजीद दिन करीब आ रहे हैं, समझ आता है कि नहीं वो फोरकास्ट जो है वो पुरानी होती जा रही होगी तो बदल रही होगी, वो और मजीद जो है वो कंफर्म करते जा रहे हैं कि बारिश होगी। अगर तो बारिश हो गई तो यार मैच अगर होना तो वॉश आउट ही हो जाए। ये जो रिड्यूस किस्म के मैचेस होते हैं ना ये तो मुझे जहर तरीन लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर होना क्या है कि अगर 10-11 ओवर्स का मैच हुआ तो उन्होंने तो आना है फुल लीथल मूड के अंदर। उन्होंने ये जो हमारा जो टेरर बैठा है ना शाहीन वगैरह का, इनका थोड़ा तमीज से खेलो तमीज से खेलो, कोई तमीज से खेलेगा नहीं, ये बेचारे जो बौखला जाएंगे इनको मार मार के जो बाहर। अगर हिटिंग के ऊपर बात आ गई ना तो हिटर्स तो इंडियंस हमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। हर बॉल जो उनकी मिडल भी हो रही होती है वो कहीं कोलैप्स हो गया, कैचेस हो गया, अगर हमने कैचेस पकड़ लिए तो अलग बात है, अदरवाइज ये रिड्यूस मैचेस के अंदर तो हमारा बिल्कुल ही पलड़ा जो है वो बहुत ही कमजोर जाता है। मुझे ज्यादा उम्मीदें होंगी नहीं। हाँ ये है कि फिर उसके अंदर हम भेजेंगे हमारे आसिफ अली को, खुशदिल और इफ्ती को जो है उनसे ओपन कराएंगे, उनसे कहेंगे कि आप पढ़ जाए यार छक्के मारो, ऊपर से डकवर्थ लुईस वगैरह भी बीच में आ जाती है, पता नहीं रिड्यूस मैचेस जो है ये तो बहुत ही अजीब होगा। और अगर ये वॉश आउट हो गया तो इसका मतलब है कि जो हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे होंगे वो प्रैक्टिकली नॉकआउट मैच ही होगा, जो वो जीतेगा तो वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, पता नहीं क्या सिचुएशन होने लगी है। फिर बांग्लादेश और वो जो साउथ अफ्रीका का मैच था वो भी वॉश आउट हो गया, लेकिन उससे पहले जो है ये बांग्लादेश के मामले में ऑफिशियल अकाउंट है, सोशल मीडिया एसेट है जो उनकी टीम का है, ये इन्होंने पोस्ट देखें किस किस्म की शेयर की थी यार, मतलब आप लोग को थोड़ी शर्म होती को हया होती है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल किस्म की बातें कर रहे हैं तो बता गया चलो यार अपनी मर्जी है जो भी है जो कर दिया फलाना ये वो गंदे टेस्ट में कर दिया अच्छे टेस्ट में कर दिया, लेकिन यार एक ऑर्गेनाइजेशन हो किस किस्म के जोक्स मार रहे हो आज भाई। इससे पहले ना बांग्लादेश ने इंडिया के साथ भी ऐसी हरकत की है, जब वो धोनी का जो सर है हेड है वो ऐसे पकड़ के एक बांग्लादेश प्लेयर का किसी ने फोटोशॉप कर दिया था, उसके बाद जो धोनी ने गेम में रिवेंज लिया है भाई वो तो सब नहीं देखा है। एशिया कप के फाइनल तो याद ही होगा,
चलो आगे देखते हैं। आज तक ये एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते, एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते और इस किस्म की हरकतें। कल को अगर जीत गए तो इन्होंने तो पतलून उतार के ग्राउंड के अंदर जो है नाचा शुरू कर देना यार, इस किस्म की छोटी हरकतें कर रहे थे। उधर वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का भी मैच हुआ है और उसके अंदर वेस्ट इंडीज जो है वो एक टाइम पे थोड़ा ट्रबल में था। सिकंदर रजा जो है पता नहीं कौन सी बूटी खा के आया हुआ यार, उसने तो बॉलिंग के अंदर कमाल करना होता है, बैटिंग में कमाल करना होता है, लेकिन खैर एंड में जीत गया वेस्ट इंडीज। एक मैं चीज आप लोगों को बता दूं, ये जितनी भी जो ये टीमें हैं ना, स्पेशली ये जो क्वालिफाइंग मैचेस खेल रही है, इसके अंदर ये वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जो बैठी हुई है, ये वहां पर उन्होंने जो है ना मौत को बहुत ही करीब से देख लिया। पहले मैच में इनको धक्का दिया, ये बिल्कुल खाई के ऊपर खड़े हो गए, इनकी आंखें खुली और अब ये वापस आए। अब ये जिस मोमेंटम में आए हुए हैं ना, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि ये दोनों टीमें सेमीफाइनल के अंदर बैठी हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा, एक तो ये वहां पर खेल रहे हैं, उनकी पिचेस पे खेल रहे हैं, ग्राउंड पे क्राउड के बीच में खेल रहे हैं, हमारे जो है इधर वॉश आउट होकर बैठे हुए। हमें जब तक समझ आएगी ना टूर्नामेंट की, ये लोग दो दो मैचेस जीते हुए होंगे और ये लोग आगे जा रहे होंगे। खैर भाई, एक जमाना वो करते थे जिसके अंदर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आपस में लड़ा करते थे और हमारे बोर्ड जो है ना वो नाचा करते थे, आपस में पार्टीज कर रहे होते थे, मिल रहे होते थे, शराब नोशी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। आजकल का वो जमाना है कि जिसके अंदर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आपस में गुनागारियां कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, मुंह से मुंह मतलब सांसों से सांसें मिला रहे हैं और हमारे जो बोर्ड वाले हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। तो अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं आना, हम नहीं आते ये एशिया कप में, जो एशिया कप हो रहा है, तो पहली एशिया कप जो है 50 ओवर्स होने लगा है जो नेक्स्ट ईयर में प्लान है, पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है, तो इंडिया ने कह दिया हमने नहीं आना। तो उसके ऊपर रमीज राजा भाई जो उन्होंने कह दिया कि यार फिर ये बात है ना, तो फिर हम भी जो अगला वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में उसमें भी नहीं आते हम भी जो है। वैसे यार बात तो ठीक है, इसी तरह होना चाहिए, इनको भी कोई ना किसी किस्म का तो रिस्पॉन्स देना चाहिए, बट कभी कभी मुझे लगता है यार रमीज ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। देखो इतना भी काफी का उसका मैचेस तो हो रहे हैं ना, इसका सिर्फ और सिर्फ सलूशन ये है कि इंडिया के साथ मैचेस या तो बहुत ही थ्रिलिंग हो पाकिस्तान के, या फिर उनको हराएं। दो चार मैचेस जब हार जाएंगे ना, तो ये खुद इंडिया की जो आवाम है उसी का प्रेशर होगा कि भाई हमने बदला लेना है, हमने बदला लेना, उनसे जाके जीतो, हमें नहीं को फर्क पड़ता कि तुम लोग ऑस्ट्रेलिया से जीत रहे हो या इंग्लैंड से जीत रहे हो, पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हराओ तब हम मानेंगे। जब तक हम क्रिकेट ग्राउंड में इंप्रूव नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी बेहतर होने लगे, इसी तरह चलता रहेगा। इंडिया ने भी ना करते रहना, हम पता नहीं ना करेंगे हाँ करेंगे जो भी होगा, लेकिन जो भी हो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है यार, ये इस किस्म की हरकतें, ये पॉलिटिक्स हैं इसके अंदर फिर घुस गई हैं। लेकिन चलो यूएई में करो यार, जो भी है मैं तो इसके ऊपर ओके हूँ, यूएई में करो या जिधर भी करो अच्छा है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ना एक नो मैन्स लैंड डिक्लेयर कर देना चाहिए, एक स्टेडियम बना दो यार बॉर्डर के बीच में, जो किसी का भी नहीं, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का, उधर जो है आधे स्टेडियम के अंदर इंडियन बैठे हुए, आधे स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए, इस किस्म का कोई वो बना दो यार, कोई टूरिज्म वगैरह वो करो। टूरिज्म से याद आया कि यार इतना यार ये बात कमाल का आइडिया लगा मुझे, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में एक स्टेडियम जहां पर जो इंडिया भी नहीं, जैसे हाँ यार वाघा बॉर्डर भी तो है ना, वैसा कुछ यहाँ पर कर दो। सही है, सही है, क्या दिक्कत है, मजा आ आइडिया बहुत शानदार, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसमें ये जो इनका मैच है, इनका जो मिलाप है, वो उनके लिए नुकसानदायक है, तो इस वजह से ये मैचेस नहीं होने दे रहे हैं, ये रीजन एक लगता है मुझे, और ये मसला है। वो करो टूरिज्म से याद आया कि यार इतना बड़ा ब्रांड है, इसको आप कैश करें, और ये मैं पिछले कितनी वीडियोस में कह रहा हूं कि ये कितनी बड़ी कैश हो सकती है, और आप इधर वीडियो चेक कर ले कि क्या ये प्रमोशन राइवल is more than just a cricket match. It's time for India versus Pakistan. Greatest. कभी क्रिकेट देखा नहीं होगा, मतलब द रॉक जो है वो प्रमोट कर रहा है अपनी उसकी मूवी प्रमोट करने के लिए, कह रही थी दुनिया जो है वो रुक जाती है इनके मैच खेलते हुए, ग्रेटेस्ट राइवलरी। यार ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, यही वो ब्रांड है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी राइवलरी। किसी भी ये जो क्लब है उधर, उनके अंदर सिर्फ पैसे ही घुसे हुए हैं, और वो हम जो ना यहाँ पे जबरदस्ती थोड़े नारे लगा रहे होते हैं, हमारी कोई उस तरह अंदर से रूहानी किस्म की एफिलिएशन नहीं होती उन टीम्स के साथ, हमारी जो ये जो है ना, ये हमारी नस नस में बसा हुआ है, हमें पता भी नहीं, हमें विरासत में दिए गए हैं ये, हम पैदा हुए हैं तो हमें बता दिए पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ये चल रहा होता है। ये बहुत बड़ी राइवलरी है, और ये तकरीबन 1.5 बिलियन की आबादी, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह ये लोग भी देख रहे होते हैं, अफगानिस्तान भी देख रहा होता है, तो ये तकरीबन 2 बिलियन की आवाम होती है जो कि इन सारे मैचेस में इंटरेस्ट ले रही होती है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यार इसी तरह के ब्रांड्स जब होंगे तो उसका कोई फायदा भी होगा। वैसे द रॉक ने इसके अंदर जो पाकिस्तान का है ना, मेरा ख्याल में ये उसने पाकिस्तानियों से भी बेहतर पाकिस्तान का है, मैंने ना आज तक कोई गोरा नहीं देखा जिसने पाकिस्तान की जगह इतना बड़ा पाकिस्तान बोला हुआ हो, और बॉय ने बोला। फिर इंडिया जो ये कह रहा होता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं आना, हमने मैचेस नहीं खेलने, ये नहीं खेलने, तो यार ये जो आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं इसके अंदर भी फिर ना कर लिया करो, इसके अंदर भी वॉक ओवर दे दिया करो, पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स दे दिया करो, या तो एक स्टांस रखो ना कि बस हमने नहीं खेलना, बहुत नाराज है, तो फिर 2 पॉइंट्स भी दिया करो ना हमें। इधर जो है वो रॉक और वो अमरीकी जो हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो हमारी गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको जो है पता चल गया किसके अंदर पैसा है और किस तरह जो अपनी फिल्म को बेचना है इन लोगों को, और हमारे लोग जो है वो आपस में लड़ने में ही बिजी, इसी तरह लड़ते रहेंगे और इसी तरह ख्वार ही होते रहेंगे यार। खैर आज के एपिसोड मैंने बड़ा ही दिल होकर बनाई, क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो उनसे दुखा हुआ है यार, मतलब
किस्म की हरकत होनी नहीं चाहिए थी, स्पेशली जब वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का इतना पॉजिटिव इमेज जा रहा था, ये लोग जो है आपस में चिमटे हुए थे और इनकी पिक्चर वायरल हो रही थी और लोग कह रहे थे कि दोस्ती होगी, फलाना हो गया, ये हो गया, बीच में आके कोई लुच डालनी होती है किसी ना किसी ने, दूल्हा दुल्हन जो है वो राजी हो गया, दुल्हन की जो पप्पो है और दूल्हे की जो खाला है वो आपस में जो है लड़ रही है और अपनी जीत कर। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई तो लाइक के बटन को दबा दें यार, क्योंकि मैं मेरा मूड खराब है तो कम अज कम लाइक जो है 50,000 लाइक्स होने चाहिए ताकि मुझे थोड़ा सा चैन मिले, थोड़ी डोपामाइन मिले, मुझे लाइक्स की जो है खुशियां मिले किसी किस्म की। भाई मेरा तो ये बारिश की खबर सुन के ही डोपामिन रिलीज होना बंद हो गया है। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है यार भाई, सच में ही कहीं बारिश ना आ जाए और सच में ही कहीं वॉश आउट ना हो जाए भाई, बड़ी टेंशन है भाई। मैं बहुत एक्साइटेड था अंदर से, लेकिन ये बारिश की खबर ने सच में दिमाग खराब कर दिया यार। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि यार ऐसी जगह पर फिर वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए जहाँ पे पानी कभी भी आ जाता है। हाँ, या तो फिर वो वाले स्टेडियम हो ऊपर से जो पैक हो जाए, ऊपर से जो पैक हो जाए वो उस तरह के स्टेडियम हो तो फिर कराओ, नहीं तो नहीं कराना चाहिए यार, क्योंकि मजा नहीं आता यार। और फिर स्टेडियम में लोग इतनी महंगी महंगी टिकटें खरीद के जाते हैं और अगर पानी आ जाता और मैच नहीं होता तो उनका तो पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ में मैच होना ही नहीं चाहिए भाई, कभी भी बारिश आ जाती है। अभी तक तो इंग्लैंड का सोच रहे थे, इंग्लैंड में ऐसा ज़्यादा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। तो लेट्स सी यार अब मैच का क्या बनता है। बाकी आप बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।